हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन में जो रेगुलेशन होती है हमारी P53 जीन की और PRB जीन की। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क है और बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन भी होता है, तो इसमें से एक ना एक की मैकेनिज्म मैक्सिमम 4 मार्क्स तक में आ ही जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या करता है। तो वो क्या करता है सेल साइकिल होता है हमारी, वहाँ पे जो चेक पॉइंट होते हैं उसको जाके वो हॉल्ट कर देता है। तो कहाँ पे चेक पॉइंट्स आते हैं, कैसे हॉल्ट करता है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है जो P53 है उसको हम जो गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। और इसकी अब कैसे एक्टिविटी होती है, तो अब हमारे पास P53 जीन होती है वो हमारी P53 प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, मतलब सिस्टमैटिकली। और इसको हम हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं। और इनकी क्या होती है, मतलब शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, अपने आप प्रोड्यूस होते जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते जाते हैं, प्रोड्यूस होते जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप है P53 जीन जो है वो P53 प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और जैसे इसको हम हाउसकीपिंग जीन भी बोल सकते हैं। फिर जैसे ही हमारे DNA में कोई भी डैमेज आता है, जैसे ही हमारा DNA डैमेज होता है, ये P53 की जो प्रोडक्शन है प्रोटीन की, ये बहुत ही ज़्यादा जो इसके लेवल है हमारा बॉडी में वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सिट ऑन अनदर mRNA प्रमोटर, अब ये mRNA प्रमोटर पे जाके बैठ जाता है ताकि आगे क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन और जो हमारा फर्दर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए। तो P53 एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही ये P53 हमारा WAF1 से बाइंड करता है जाके, ये WAF1 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जो कि WAF1 mRNA में बन जाता है। प्रोटीन जो होता है हमारा P21 की मैनी कॉपीज आ जाती है, और जो P21 की मैनीस्कॉपी आते हैं ये न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये रेगुलेट करता है किसको, CDK कॉम्प्लेक्स जो होता है हमें उसको रेगुलेट करता है। जो CDK कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा G1 और S फेज का जो सेल साइकिल होता है हमारा G1 और S फेज के बिटवीन में होता है, और जो CDK2 साइक्लिन होता है इसके कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देता है। उसके बाद सेल को नो लॉन्गर, मतलब उसकी कोई पॉलीफ्रेशन वगैरह नहीं हो पाती है और सेल डेथ हो जाता है, मतलब सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ कह लो, कुछ भी हो जाती है। तो इसीलिए हमारा P53 को हम गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। मैं उसको बहुत ही फास्ट करवा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फटाफट देखें और आपको कम टाइम में ये चीज़ें समझ आ जाए। तो नेक्स्ट आता है हमारा PRB जीन। PRB जीन में क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, रेटिनोब्लास्टोमा, तो इन सब चीज़ में कैसे ये इनिबिट करता है, क्या करता है। PRB जो जीन है वो इनिबिट करता है E2F को। E2F क्या है, एक एसेंशियल प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। नेसेसरी फॉर टारगेटेड प्रोटीन एस फेज ऑफ सेल्फ है, जो E2F कंपोनेंट है वो सेल साइकिल के एस फेजेस में बहुत ही नेसेसरी होती है। बट क्या होता है, यही जो PRB जीन है इसी को इनिबिट कर देता है ताकि आगे जाके सारी ट्यूमर वाली जीन प्रोटीन जो सब भी चीज़ें हैं वो सप्रेस हो जाए। अब लेट G1 फेज में क्या करता है, जो PRB जीन है वो फोस्फोराइलेट होता है और CD साइक्लिन डी और जो CDK4 या 6 कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसमें जो ये फोस्फोराइलेट जो PRB होता है वो उसके बाद वो फोस्फोराइलेशन करने के काम में नहीं रहता है। कैरी टू होल्ड E2F एंड नाउ E2F इज फ्री टू फंक्शन। जो E2F होता है वो बाइंड होता है किससे, साइक्लिन डी या साइक्लिन 4-6 के कॉम्प्लेक्स से बाउंड होता है। पर लेट G1 फेज में क्या होता है, PRB की फोस्फोराइलेशन होती है, मतलब वो अलग निकल जाता है। अब उसने जो E2F है उसको पकड़ के नहीं रखा है, वो फ्री हो चुका है। तो जो फ्री हो जाता है E2F क्या करता है, ट्रांसक्राइब जीन्स विच रिक्वायर्ड सेल डिवीजन। अब जिस जीन की सेल डिवीजन होनी है उसको E2F चाहिए। हाउ साइक्लिन डी इज एक्टिवेटेड, जो लेट G1 फेज में R पॉइंट होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, वहाँ पे हमारा क्या करता है, जो PRB जीन होता है उसकी फोस्फोराइलेशन हो जाती है, E2K अलग निकल जाता है या E2F,
वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और अलग अलग जीन को ट्रांसक्राइब करता है। लेट अर्ली जीन में जो कहते हैं लॉट ऑफ माइटोजेनिक सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे अपियर होते हैं सेल में फ्रॉम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मैप काइनेज की जो सिग्नलिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। माइटोजन टारगेटेड साइक्लिन D1 एक्टिवेट हो जाता है, फिर CD4 या 6 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है जो कि लेट G1 टू S फेज में चाहिए होता है। इन म्यूटेशन इन PRB देन लीड्स टू कैंसर। अगर अब इन जीन में P53 जीन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई या PRB जीन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ट्यूमर सप्रेशन जीन का कोई भी फंक्शन नहीं होता और हमारे बॉडी लीड टू कैंसर की तरफ चली जाती है। तो PRB का मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगी। तो PRB में क्या होता है, हमारे सबसे पहले जो PRB होता है वो इनहिबिट करता है हमारा E2F को जो कि एक एसेंशियल प्रोटीन है S फेज की जितने भी टारगेटेड प्रोटीन या ये सब चीज़ के लिए। तो ये सब बाउंड स्टेट में होता है, जैसे ही हमारा PRB बाइंड करता है जो लेट G1 फेज में तो उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और E2F फ्री हो जाता है। वो ट्रांसक्राइब करवाता है जीन को जो कि सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड है, अगर नहीं रिक्वायर्ड होती तो वो उसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे ही रोक देता है, मैप काइनेज की पाथवेज वगैरह को ऑन कर देता है और हमारा जो साइक्लिन D1 और CDK6/4 का कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी P53 जीन जो कि हमारा गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोला जाता है और हमारा PRB जीन। तो यहाँ से हमारा ये दोनों टॉपिक एटलीस्ट 4 to 5 नंबर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो फंक्शंस होते हैं ऑन्कोजीन के, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसमें हम लिख सकते हैं अर्क सिग्नलिंग पाथवे, टेल ऑन्कोजीन एक्टिवेशन, वुंट पाथवे, डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो कैंसर पेशेंट को देते हैं इस पर भी हमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, कीमोथेरेपी जितनी भी थेरेपीज होती हैं या कोई और रेडिएशंस वगैरह से कितनी भी अलग अलग प्रोसेसेस से, तो चार पांच पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा बाय।